आगे पापा आ गए। हाँ पापा आ गए, पापा आ गए, पापा के फौज में चले गए थे जो आगे। पापा मेरे लिए क्या लाए? क्या लाया तेरे लिए? जब भी बाहर जाऊँ कुछ ना कुछ तेरे लिए खाने के लिए लाऊं। मम्मी कहाँ है तेरी? सुबह से मेकअप टोपली है, मेकअप पे लगी हुई। दुर्गा माँ मेरे बच्चों की है कहाँ? हाँ आ गए शेरू, तुम दीदी से राखी बनवा के। हाँ आ गया। और क्या ये शेरू शेरू लगा रखा है? भाई आदमी का नाम है शेर सिंह, शेरू शेरू ऐसा लग रहा है कुत्ते को बुला रहा है आदमी। अरे वो सब छोड़ो, तुम मेरी फोटो खींचो। मतलब वो छोड़ो, फोटो खींचो, सुबह फोटो खींचने लग जाओ यहाँ पे घर में है। अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तो अच्छी लग रही तो इसका मतलब फोटो खींच लूँ। वाह जा चाय बना जाके। क्यों तुम्हारी बहन ने नहीं पिलाई तुम्हें चाय? वहाँ अब बहन को खुद दस्त लग रहे थे वहाँ, उसे तो मैं ORS का घोल दे के आया। जा चाय लेके। अब ऐसा है मुझे भी बहुत काम है और मेरा भाई भी आने वाला है, मुझे खाना बनाना है। तेरा भाई आने वाला है तो भाई का खाना बना रही है, उसके साथ चाय भी बना ले मेरी। अच्छा जी, शादी से पहले बन जा तू मेरी रानी है और शादी होती नौकरानी। क्या प्रमोशन दिलाया तुमने मुझे, ऐसा खुद भी कुछ कर लिया करो। अरे करता तो हूँ, काम तो करता ही हूँ, भले ही मैं कर्जा ले लेके जी रहा हूँ, भले मेरा गले तक कर्जा हो गया हो, काम तो करता ही हूँ ना। वैसे तुम करते क्या हो? अरे यार सीरियसली आई फॉरगॉट इन लॉकडाउन मैं करता क्या हूँ, एक मिनट रुक जा याद आने दे। हाँ मैं करता हूँ काम की तलाश, और ये कोई कम काम है? तुम्हारी ये तलाश इस सदी में पूरी हो जाएगी? अरे हम यार क्रिएटिव आदमी है। Oh, no. और इतने काबिले तारीफ इंसान है कि जब तक हमारे लायक काम नहीं मिलेगा ना हम काम नहीं करेंगे। माई क्रिएटिव हस्बैंड, अपनी क्रिएटिविटी ना थोड़ी घर के कामों में दिखा दो। आज काम वाली छुट्टी पे है तो बर्तन साफ कर दो, थोड़े से कपड़े पड़े हैं वो धो दो और खाना बना दो। अरे यार ये चुटर पुटर यार घर के काम तुम ही क्या करो, इसमें कोई क्रिएटिविटी थोड़ी है। क्यों मैं ही क्यों करूं? अरे यार ये औरतों के काम है और किसके हैं ये? मेरा मतलब है घर की तुम लक्ष्मी हो, घर की देवी हो, और लक्ष्मी देवी के अंदर होती है शक्ति। आज तो ये काम तुम चुटकियों में ऐसे निपटा दोगी? ऐसा है अगर मैं देवी हूं ना तो सुबह मेरी आरती उतार लिया करो। ये ले, ये भी कोई बात कही तूने, अभी उतार दे तेरी आरती। ओम सती सादी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जय चा। ऐसा है मुझ में कोई शक्तियां नहीं है, और ये जो देवी बना के ना ढोंग चला रखा है तुमने काम करवाने का, इसे बंद करो भगवान के लिए। जैसे तुम हाड़ मास के बने हो वैसे ही मैं बनी हूँ, जैसे तुम पैदा हुए हो वैसे ही मैं पैदा हुई हूँ, अवतरित नहीं हुई हूँ मैं। तुम कभी नहीं थकती, यू आर सुपर वूमेन। ऐसा है हम लोग भी थकते हैं तुम्हारी तरह, हमारे भी घुटनों में दर्द होता है तुम्हारी तरह, बुखार भी चढ़ता है, आराम भी करने का मन करता है। हमें ये देवी वेवी बनाना प्लीज छोड़ दो, हमें आम इंसान की तरह जीने दो जैसे तुम लोग जीते हो। अरे यार घुटनों में दर्द तो मेरे भी हो रहा है, तभी तो तुझे इतनी देर से रो रहा हूँ, जाके चाय बना ले। तुम खुद क्यों नहीं बना लेते जाके चाय? Oh, no. और हमें तुम ये कहते हो कि तुम करती ही क्या हो घर में, काम ही क्या होता है तुम्हारा? काम काम, हमारा काम झंडू बाम। अरे झंडू बाम हमें ला दे। जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तब तुमने क्या किया था मेरे लिए? अरे तेरी दवा अपनी सॉरी लेके तो आया था दवा। बस इतना ही फर्ज है तुम्हारा? जब मुझे बुखार आया था तुमने घर में क्या काम किया था मुझे ये बताओ। ले कमाल कर रही है, जब तुझे बुखार आया था मैंने अपने लिए चाय बनाई थी ना खुद, तू तो पड़ी थी। हाँ जिसके बर्तन भी ऐसे ही छोड़ दिए थे जो 4 दिन बाद मैंने साफ किए। 4 दिन तक ना घर में झाड़ू लगी, ना पोचा लगा, ना कोई काम किया तुमने। अपने लिए भूख लगी तो खाना मंगा लिया बाहर से है, मुझसे पूछा तुमने? अरे तुझे बीमार थी, तू पिज्जा खाती क्या बीमारी में भी, इसलिए मैंने बाहर से मंगाया खा लिया। खिचड़ी बना देते या उसमें भी हाथी घोड़े जुड़ते हैं? अरे अम्मा छोड़ दे खिचड़ी, तूने खिचड़ी हमारी पका दी। ऐसा है आगे से मैं हर काम में तेरा हाथ बढ़ाया करूंगा, तू सब सही कह रही है, और बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनके हाथ में राखी बंधवा दे बस, और तेरा भाई आने वाला उसके लिए भी टिकट बना ले जा। अभी मैं जा रही हूँ, तुम बच्चों की राखी करवा रहा हूँ। अरे बच्चों आ जाओ यार, तुम्हारी राखी करवाता हूँ। अब बोलो दीदी से, दीदी मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। पापा मैं रक्षा तो दीदी करती हैं। दीदी तेरी रक्षा करती हैं? हाँ। कब करी थी? जब मेरे लड़कों ने मारा था दीदी ने रक्षा की थी। अरे हमारी बेटी भी तो बेटे जैसा है। पापा भी क्यों नहीं बोलते कि हमारा बेटा भी बेटी जैसा है?
सॉरी बेटा, मेरी बेटी बेटी है और मेरा बेटा बेटा है। बेटा तूने बिल्कुल सही बात बोली, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तूने आज बहुत गहरी बात कही है जो हम सबको समझनी चाहिए। बहुत कम में तू बहुत कुछ कह गई, और ये लो, तुम भी समझे या नहीं कुछ? समझ गया जी, मैं तो समझ गया, दोनों की समझ गया। हाँ ऐसे ही समझे रहो बस। पापा मम्मी और दीदी नहीं आ, इन्हें तो दिमाग पागल करके रखा। अबे यही पता नहीं कितनी मुश्किल से आई, पागल चल यहाँ से, चला चल। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन पर माँ बेटी ने मेरी तो आंखें खोल दी हैं। और आपकी भी आंखें खुल गई हो तो जरूर कमेंट करें। और क्या करें? लाइक करें। अरे वाह, शेयर करें, शेयर करें और हमें बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। दिखा दे अपनी रक्षाबंधन राखी, ये रही।